अगर गॉड आपके लाइफ के ग्राफ ड्रॉ कर दे तो कैसा दिखेगा क्या यह कांस्टेंट ही रहेगा यानी जो आप आज आज के साल पहले थे आज भी वही हैं? हैं या जो आज वो अगले पांच साल बाद भी रहेंगे? नहीं तो थिंग्स इज गोइंग टू चेंज नथिंग इज गोइंग टू बी कांस्टेंट तो आप और हम सभी एक फंक्शन है और हमारे और आपके लाइफ में एक पिक पॉइंट होता है या मोर देन वन पिक पॉइंट होता है ना जैसे जरूरी नहीं कि एक बार आप 2008 में अगर खुश हुए थे तो 2009 में खुश नहीं हो सकते हो सकते हैं यानी आपकी लाइफ में बहुत सारे पिक पॉइंट आएंगे और बहुत सारे लोवेस्ट पॉइंट आएंगे तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो इसी के ऊपर है कि अगर हमें एक फंक्शन दिया है तो हमें पता करना है कि इस फंक्शन का पिक पॉइंट कौन सा था यानी अगर आप देखें यक एक्सिस के ऊपर तो यक एक्सिस के ऊपर हमें समझना है कि एक किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है और किस पॉइंट में मिनिमम वैल्यू अटेंड करता है जैसा मैंने आपको बताया कि मोर देन वन मैक्सिमम और मोर देन वन मिनिमम हमें मिल सकता है ऐसा क्यों क्योंकि हमने इंटरवल डिसाइड नहीं किया है ना हम अगर बात करें कि एक साल के अंदर की बात करें सिर्फ तो हमें पता है कि सिर्फ एक साल के अंदर हमें डेटा एनालाइज करना है कि एक साल के अंदर मैं कब कब मैक्सिमम अटेंड कर रहा हूँ कब कब मिनिमम अटेंड कर रहा हूँ उसी तरीके से अगर आपके पास टाइम पीरियड ही नहीं है तो अगर आप सौ साल की ज़िंदगी को देखोगे सौ साल की ज़िंदगी में बहुत बार खुश रहूंगा और बहुत बार तकलीफ में रहूंगा तो बहुत सारे मैक्सिमम पॉइंट मिलेंगे और बहुत सारे मिनिमम पॉइंट मिलेंगे तो इसे हम कहते हैं लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम तो इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर तो अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल के ऊपर या फिर बार बार आए हैं तो रिक्वेस्ट करूँगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इससे दो फायदे होंगे पहला फायदा ये होगा कि आपको जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं उसके इन्फॉर्मेशन मिलेंगे इसके साथ साथ आपको तमाम ऐसे खबरें मिलेंगे जो चीज़ें आपको एजुकेशन लाइक एग्ज़ाम जो ऐसे आने वाले हैं ऐसा कोई अपडेट है जिसके जिसकी नॉलेज आपके पास रहनी बहुत ज़रूरी है अगर आप स्टूडेंट हैं तो अगर आप टीचर हैं तो ओके तो चलिए बिना बकवास किए शुरू करते हैं अपनी इस सीरीज को मैक्सिमम और मिनिमम की बात ओके तो हम अपने सेशन को शुरू करें उससे पहले जरूरी है कि आप कुछ बातें जान लें पहली बात हमें समझना है कि वॉट इज क्रिटिकल पॉइंट आप लिखते चलिए मेरे साथ एंड दूसरी बात हमें समझनी है वॉट इज स्टेशनरी पॉइंट ओके मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ आप पूरा लिख लीजिएगा स्टेशनरी पॉइंट यानी क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं इनके ऊपर कॉन्सेप्ट हमारे बिल्ड होते जाएंगे तो आप इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा इसके अंदर लापरवाही नहीं चाहिए आपको तो समझने के लिए मैंने एक डायग्राम यहां से पहले से ले रखी है तो अब इस डायग्राम को देखेंगे और इस डायग्राम के जरिए अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आपको इसलिए समझ में आएगा कि व्हाट इज क्रिटिकल पॉइंट एंड व्हाट इज अर स्टेशनरी पॉइंट लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ओके जस्ट सी दिस डायग्राम ओके सपोज इज वन फंक्शन कॉल दॉल किसी फंक्शन का एक ग्राफ मैंने ड्रॉ किया हुआ है इस ग्राफ को समझते हैं हम लोग ठीक है सपोज करिए अगर इस ग्राफ को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या समझ समझिए कि एक्सिस पे वैल्यू हमारे पास ठीक है बहुत सारी वैल्यू है तो जैसे जैसे आपकी वैल्यू बढ़ती जा रही है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पहले क्या हो रहे थे इंक्रीज हो रहे थे फिर बाद में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आया जब आपके लाइफ में कुछ नहीं हो रहा ठीक है दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट ओके कॉन्स्टेंट रह गया उसके बाद क्या सुनो शुरू हो गया आपके लाइफ में डिक्रीज हो गया यहाँ पे कॉन्स्टेंट है इसका मतलब समझ में आता है कि ए तुम्हारा स्लोप है

Equation को अगर तुम सॉल्व करोगे तो यूल गेट कपल ऑफ पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज अ क्रिटिकल सॉरी स्टेशनरी स्टेशनरी पॉइंट सिंपल लॉजिक बता सकता हूं मैं आपको कि जब भी स्लोप जीरो होगा स्लोप क्या होगा जीरो होगा ठीक है डेफिनेटली इट्स हंड्रेड परसेंट ट्रू अगर डेरियो टू इज गोइंग टू बी द जीरो सो इफ यू कैन डिफरेंसिएट दिस पार्ट आफ्टर डिफरेंसिएशन यूल गेट कपल ऑफ पॉइंट दैट पॉइंट इज गोइंग टू बी नोन एज अ स्टेशनरी पॉइंट

यहाँ पे या तो तुम निकाल पाओगे या तो समटाइम कैसा होगा हमारा अनडिफाइंड होगा ठीक है वी तो इस पॉइंट पे हमें पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे लाइक like, हो सकता है कि हम किसी तरीके से टेंजेंट निकाल तो हमें स्लोप पता चल जाएगा और अगर नहीं पता चला तो किस कंडीशन में चला जाएगा अनडिफाइंड में चला जाएगा या तो ऐसा कंडीशन हो या तो ऐसा कंडीशन या तो, तो दोनों बोथ अगर दोनों तो लेट मी राइट इट मोर रियलिस्टिक ओके इन द रियलिस्टिक वे इफ यू से इफ डेरिवेटिव इज गोइंग टू बी जीरो एंड या तो अनडिफाइंड हो या तो दोनों हो जाए तो इस कंडीशन में जो पॉइंट आपको मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी योर क्रिटिकल पॉइंट ओके लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन व्हाट आई एम टेलिंग यू इफ यू कैन फाइंड आउट द टेंजेंट इजीली यू कैन फाइंड आउट द स्लोप यू नो द कॉन्सेप्ट ओके ओके सो यू कैन डिफरेंशिएट बिकॉज इफ यू कैन डिफरेंशिएट अ फंक्शन यू कैन गेट Uh, if you can differentiate and if you are uh, making it equal to zero okay we know we know this concept by rolls theorem okay Aap mere last video ko dekhonge, toh, mein but here on this point we are not able to find out the tangent okay टाइम इट्स पॉसिबल अगर तुमने पता भी कर लिया कभी कभी ऐसा होगा कि हमें टेंजेंट मिल जाएगा तो डेफिनेटली वी कैन गेट द स्लोप दट इज गोइंट बिथ जीरो अरवाइज समटाइम ऐसा होगा कि इट्स गोइंग टू भी अनडिफाइंड ओके अगर यहां पर कुछ चीजें डिफाइंड ही नहीं है सो इन दिस केस जो भी पॉइंट तुम्हें मिलेगा दट इज गोइंग टू वि क्रिटिकल पॉइंट ओके डोंट टेक टू मच स्ट्रेस वी विल सॉल्व अ प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ओके क्रिटिकल पॉइंट से ज्यादा यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द स्टेशनरी पॉइंट तो वेन एवर यू वांट टू आउट द स्टेशनरी पॉइंट दे विल गिव अ वन फंक्शन लेट मी मेक इट मोर रियलिस्टिक दे विल गिव वन फंक्शन एंड फ्रॉम दिस फंशन वट यूल डू यूल डू द डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन एंड यूल मेक इट इक्वल टू जीरो यू विल सॉल दिस पार्ट यू वििल सॉ दिस पार्ट यू विल गेट कपल ऑफ पॉइंट सो दिस कपल ऑफ पॉइंट जो भी आ रहे हैं मोर देन वन स्टेशनरी पॉइंट यू कैन गेट ओके सो एज एक्सप्प्लेनिंग यू कि दिस इज योर लाइफ इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज योर लाइफ ओके दिस इाइफ पीरियड ओके what i'm telling you more than one stationary point could be there now so yeah in this point derivative is going to zero derivative is going to be zero so more than one stationary point we can get okay so don't worry this is your stationary point this is all stationary point how can we get stationary point whatever function they are giving just differentiate it just differentiate it okay स्टेशनरी uh, पॉइंट का मतलब होता है कि कुछ चीजें वहां हो ही नहीं रही है ठीक है इस डेरिवेटिव डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो लिखा हो, इसका मतलब क्या होता है कि ग्राफ आपका ऐसा चला रहेगा फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद वो डिक्रीज होना शुरू हुआ ऐसा समझ सकते हो या इसी चीज को ऐसा भी समझ सकते हो कि कोई चीज कंटिन्यूअस डिक्रीज हो रही थी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ भी नहीं हो रहा है और उसके बाद इंक्रीज होना शुरू हो गया तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है लाइक like इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो आपका डेरिवेटिव यानी स्लोप एक तरीके से स्लोप क्या होता है जीरो हो जाएगा तो अगर हम डिफ्रेंसियन के फर्स्ट लेक्चर को याद करें तो वहां हमने सीखा था कि डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो स्लोप ओके तो स्लोप इज होना मतलब स्टेशनरी होना मतलब वहां पे कुछ भी घटनाएं नहीं हो रही हैं उसके बाद चीजें या तो इंक्रीज होना शुरू हो रही हैं या तो डिक्रीज होना शुरू हो रही हैं यही इसका एक मतलब होता है ठीक है तो होप कि आपको ये बेसिक आइडिया लगा होगा डोंट डोंट बी कंफ्यूज्ड ओके आई विल सॉल्व वन और टू मोर प्रॉब्लम ओके सो ये चीजें आपको इजीली समझ में आ जाएंगी ओके सो जस्ट गिव मी सेकंड आई विल ओके सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल एंड पॉइंट सो सपोज आई हैव अ बॉल ओके एंड

मतलब एक बॉल जाएगा लेकिन अगर फिजिक्स के टर्म में समझोगे तो उसको एक पर्टिकुलर स्पीड रही होगी वो ऊपर गया होगा उसके बाद वो जीरो हो गया होगा धीरे इसलिए नीचे आ गया सो तो इन टर्म ऑफ मैथमेटिक्स अगर तुम सोचने की कोशिश करोगे तो क्या होता है तुमने बॉल को लिया और बॉल को ऊपर ऐसे फेंक दिया तो ऊपर जाने के बाद जिस लाइन में जाते हैं उसी लाइन में वापस आके गिरती है क्या देर विल बी स्लाइटली बेंट होगा थोड़ा सा तो होगा मतलब थोड़ा सा तो थोड़ा सा होगा लाइक अगर तुमने बॉल को ऐसे फेंका है तो इस इसी डायरेक्शन में बॉल तो गिरेगी नहीं इट विल बी फॉर अ फॉर अ माइनर सेकेंड यू कैन कैनज्यूम कि छोटे से टाइम के लिए थोड़ा सा ऐसा बेंड होगा और उसके बाद ऐसा गिर जाएगा जस्ट अंडरस्टैंड right, मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड कि की पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका स्लोप क्या हो गया मतलब ऐसे बॉल गया और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप क्या हो गया जीरो सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये मैक्सिमम हाइट उसने कितना अटेंड किया इसका मतलब कि अगर मुझे हाइट पता करना है तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि, कि किस पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो हुआ था बिकॉज जब हमें पता चल जाएगा कि इस जस्ट थिंग ना कि अगर मुझे हाइट पता करना है माय क्वेश्चन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड यू कैन रीड इट ओके तो अगर ए, ए तुम्हारा ऐसा गया तो ये कब गिरना शुरू हुआ ये बॉल गया होगा और कब स्टार्ट हुआ होगा गिरना जब हमें स्लोप क्या मिला होगा जीरो यानी कि कही न, कहीं ना कहीं ऐसा गया होगा उसके बाद ऐसा होकर ऐसा गिरा होगा ना ऐसा गया होगा ऐसा गिरा होगा मतलब जब ऐसा गया होगा बॉल हमारा तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद एक गिरना शुरू होगा तो गिरने के लिए उसको क्या डायरेक्शन थोड़ा चेंज करना पड़ेगा यानी टर्म में मैं बात कर रहा हूँ मैथमेटिक्स तो it, like ball ऐसा होगा तो उसके बाद थोड़ा सा बेंट हुआ गिरने के लिए तो हमें हमें ये पता करना है कि एक कब बेंट हुआ था तो समझने के लिए वी नो स्लोप क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ओके यानी वॉट एवर फंक्शन वी है

किस पॉइंट पे बिंडो मतलब स्टेशनरी किस पॉइंट पे हुआ दैट मींस व्हाट दिस इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट मतलब वहां पे कुछ नहीं हो रहा मतलब वहां पहुंचने पर चीजें जीरो हो गई ना उसके बाद वो गिरना शुरू हो गए मतलब अगर स्टेशनरी पॉइंट आपको चाहिए तो एवर आंसर यू गॉट ऑफ डीएच बाय डीटी मेक इट इक्वल टू जीरो एंड पुट द वैल्यू सो इफ यू सॉल्व दिस पार्ट सो व्हाट यू विल गेट -10 इक्वल टू -14 इट्स गोइंग टू बी द टी इक्वल टू 14 बाय 14 बाय 10 okay if i'm not wrong you can confirm okay so you will get 2 7 2 so t is going to be the 7 by 5 okay so on this axis there will be one point 7 by 5 where the height is going to be the maximum so this is going to be the height so what will be the height just put the because we got the value of t on the this axis t is a point T is अ point where you got the maximum. Because how can you assume it? Because यहाँ पे जाने के बाद ball नीचे आना शुरू हो गया मतलब यहाँ पे तुम्हारा slope क्या था Zero हो गया था We try to understand। मतलब अगर यहाँ पे h के form में function दिया है तो we can differentiate डी एच विद रिस्पेक्ट टू डी टी तो यहाँ पे इसके बाद इस particular point पर क्या हो जाएगा Zero हो जाएगा उसके बाद गिरना शुरू हो जाएगा So we got this point कि ये point है जहाँ के बाद उसका स्लोप क्या हो गया था जीरो उसके बाद बॉल आपका नीचे आना शुरू हो गया you will do you will put the value of t here so you will get the maximum height दैट इज माई क्वेश्चन दट इज आवर क्वेश्चन ओके मैक्सिम हाइट पता करने के लिए वॉट यूल डू ना जस्ट पुड्यू ऑफ टीय इन द इक्वेशन सो इफ यू पुट द इक्वेशन वैल्यू ऑफ टी इन दैर क्वेश्चन इट लाइक इफ यू कैन अंडरस्टैंड लेट मी शो ऑन डायग्राम ओके सो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल ओके सो जस्ट सीयर जस्ट सी हियर सो द्वेश्चन क्यों लिया आपके लिए जो जस्ट टू एक्सप्लेन की व्हाट इज अटेशनरी स्टेशनरी पॉइंट पॉइंट स्टेशनरी का मतलब होगा कि तुमने बॉल बॉल को थ्रो किया ठीक है तो उसी तो उसी डायरेक्शन में आएगा नहीं इट मस्ट बी बेंट बेंट ना bent होने का मतलब यहां एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चीजें जीरो हुई होंगी क्या चीजें जीरो होंगी अगर मैथमेटिक्स में समझोगे तो स्लोप इज गोइंग टू बी जीरो और मैथमेटिक्स डेरिवेटिव में हमने बताया कि स्लोप इज गोइंग टू बी वॉट डी वाई बाई डी एक्स तो हमारा जो फंक्शन है एच के फॉर्म में दिया है ना तो हमारे लिए क्या हो जाएगा डी एच विथ रिस्पेक्ट टू किसके चेंज हो रहा है तुम्हारा इस पे टाइम दिया हुआ है

स्टेशनरी पॉइंट वेन एवर इन पेपर और आगे के स्लाइड uh, में अगर मैं बोलूँ कि फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट यू कैन अंडरस्टैंड दे गिवन द फंक्शन इन दिस केस, द फंक्शन इज गिवन इन फॉर्म ऑफ एच। ओके, वॉट एवर द फंक्शन दे गिवन, जस्ट डिफरेंशिएट दिस फंक्शन मेक इट इक्वल टू जीरो एंड फ्रॉम दिस यू विल गेट दपल ऑफ पॉइंट लेट मी ट्राइट इट टी इन दम ऑफ So you will get some couple of point In this case, we got only one point, but uh, we can get more more than one point. Okay, it depends upon function to function. We'll see it. Okay, I hope you understood the concept of a stationary point at least. Okay, how can you find a stationary point? It's very simple. You can watch this video two or three times. You can understand very easily. Okay. So, <laughs> question is still remember uh, like uh, what about maximum and minimum? Because still we are discussing critical point and all the things. Uh, so, what is the maximum and minimum? It's very easy to understand. Uh, suppose, suppose, let me draw the this graph to explain. Suppose uh, this is uh, this is uh, your financial condition, okay, and this is your uh, time period, okay, first year, second year, third year. Fourth year and fifth year. So this is your life period. Okay. Suppose you graduated and now you are start earning. So first year, suppose your salary was something. Let me let me just draw it random point to explain this concept. Okay. Suppose your salary is twenty five k, thirty five k, forty five k, fifty k. Okay. Let me make it more realistic. Okay. So suppose first year you start earning uh, with twenty five k. Second year you start uh, like that is not second year. Okay.

सेकेंड इयर आई वॉज अर्निंग दिस मच अमाउंट बट ड्यू टू सम रीजन आई स्टार्ट अर्निंग लो एंड देन अगेन मेरे लाइफ में चीजें चेंज हुई और मैं अगेन मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करने लगा ठीक है सो वॉट एवर यू आर लाइक दिस इज कॉल्ड दिस इज लेट मी चेंज माई मार्कर टू एक्सप्लेन दिस थिंग सो दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड वॉट एवर दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम पॉइंट बट दिस इज अर लोकल मैक्सिमम ओके एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड लोकल मिनिमम ओके एंड दिस इज अगेन कॉल लोकल मैक्सिमम बिकॉज वी आर नॉट स्ट्रिकली लाइक हम लोग जो भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं ना इसके टाइम पीरियड को हम स्ट्रिक्ट नहीं कर रहे ना अगर मैं बोलूँ कि सिर्फ वन और थ्री के बीच में आपका मैक्सिमम बताओ अगर मैं बोलूँ वन एंड थ्री के बीच में मैक्सिमम बताओ यू विल से ओके विर विल बी ओनली वन मैक्सिमम दैट मीन्स वॉट अगर टाइम पीरियड ओके सॉरी फॉर देर वॉज कनेक्शन एक्चुअली सो वी आर डिस्कसिंग कि अगर तुम्हारे पास इंटरवल है सपोज यू हैव अ इंटरवल ओके वट डू यू इंटरवल सपोज तुमने ग्राफ ड्रा किया किसी एक फंक्शन का और ये तुम्हारे पास ऐसा सपोज करो ऐसा ग्राफ बना है सो यू डोंट नो कि कहाँ पे एंड हो रहा है यू वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इंटरवल तो अगर यहां से यहाँ अगर तुम्हें पता करना है यू विल से ओके, दिस विल बी द मैक्सिमम पॉइंट Because you start running from here, you will say, okay, I reach at this point, and after this point, I will start decreasing, okay, and I got the minimum point, and again I will got the maximum point, minimum point, all the things. If you try to understand this part, okay. So what I'm telling you, if you have an interval, like in this condition, we don't have interval, so that we are getting local maxima and local minima, minima, okay. So suppose if you have a fixed interval.

वन इज अ लोकल मैक्सिम एंड मिनिमा एंड अदर इज अ ग्लोबल मैक्सिम एंड मिनिमा तो दोनों के लिए अलग अलग कहानी है इफ दे आर आस्किंग लोकल मैक्सिम एंड मिनिमा दे विल नॉट गिव एनी इंटरवल दे विल बी नो इंटरवल सो इन दिस केस इफ दे विल आस्क द क्वेश्चन ऑन ग्लोबल मैक्सिम एंड मिनिमा देर विल बी इंटरवल तो डोंट बी जल्दी हो मत होना मतलब जल्दी मत करो जस्ट गिव मी टाइम टू एक्सप्लेन ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट देन आई विल मूव टू द प्रॉब्लम जस्ट Uh, we can understand from this uh, uh, explanation key there will be two type of maximum. you know one is going to be local maxima and local minima so local maximum, and minima if you try to understand uh, if we if this is a graph more than one maximum, and minima could be there so that means so there will be no interval is but if you strictly want key moja a particular period ka hi data suppose that means what we are giving the interval so in that case what we can do yes we will try to uh, स्ट्रिक्ट सो वी कैन गेट द ग्लोबल मैक्सिमम यू कैन से लाइक दिस ऑल्सो सपोज एक ठीक है वो एग्जाम्पल मैं आपको बात में देता हूँ पहले मैं और भी बेसिक तो मैं क्लियर करा देता हूँ ओके सो लेट मी मूव टू द नेक्स्ट थिंग ओके बिफोर दैट यू कैन सी दिस विजुअलाइजेशन माइड बी दिस इज गंग टू हेल्प यू जस्ट दिस ग्राफ विल हेल्प यू ओके जस्ट गिव मी अ सेकंड जस्ट गिव मी अ सेकेंड इफ यू कैन सी दिस दिस इज अ वेरी नाइस डाइग्राम ओके मैंने इंटरनेट से लिया हुआ आई विल गिव यू लिंक एंड ऑल दिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो इफ दिस योर फंक्शन सो हाउ कैन यू इंटरप्रिटेट हाउ कैन यू अंडरस्टैंड कि ये पॉइंट तुम्हारे लाइफ का मैक्सिम और इस पॉइंट का मिनिमम एज अमन बींग कै समझोगे इट्स वेरी इजी ना सपोज uh, यक्स के जैसे जैसे पॉइंट बढ़ाई बढ़ रही है, है यहाँ पर अगर इफ यू कैन सी इट यक्स जैसे जैसे तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है सो वट वॉट इज हैपनिंग ईयर द वैल्यू ऑफ समथिंग इज इंक्रीजिंग ओके समथिंग इज इंक्रीजिंग ओके जैसे जैसे तुम्हारी वैल्यू यक्स की इंक्रीज हो रही है तुम क्या करो लाइफ में इंक्रीज कर रहे हो

इस पॉइंट के बाद तुम ऐसे इंक्रीज किया अब इस पॉइंट के बाद तुम स्टेशनरी हो चुके हो तो तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम इंक्रीज करने वाले हो डिक्रीज करने वाले हो तो इन दिस कंडीशन मैक्सिमम यहां पहुंचे उसके बाद तुम डिक्रीज करना शुरू कर गए एज अ ह्यूमन बीइंग हमने इंटरप्रिटेट किया क्या कि ए फंक्शन यहां तक चला मैक्सिमम अटेंड किया ए पॉइंट तक उसके बाद यह क्या शुरू हो गया डिक्रीमेंट होना शुरू हो गया ओके सो व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड कि दिस इज गोइंग टू बी योर लोकल मैक्सिमम

अगेन मैक्स दिस इज गोइंग टू बिनिम पॉइंट बिकॉज इफ यू सी दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू वट एवर यू आर प्लॉटिंग ऑन वाई एक्सिस दिस इज गोइंग टू ब्रेटर देन दिस टू वैल्यू आई थिंक लेट मी एक्सप्लेन इट ओके हाउ कैन यू अंडरस्टैंड इफ यू हैव दिस ग्राफ यू हैव दिसंग लाइक दिस तो सपोज करो एवन है जस्ट लेट मी दिसवन ऑन वाई एक्सिस तुम्हारा कुछ तो पॉइंट होगा लेट मी मे के सिक्स ओके लेट मी मे की फाइव तो सेवन इज मैक्सिमम बिटवीन सेवन इज बिटवीन बिटवी सिक्स हाउ उसके नेबरहुड पॉइंट है, 6 5. यहाँ पे, 3 है. तो 3 की खासियत क्या होगी ये जो पॉइंट यहां पर और यहां पे होगा ये दोनों इस वाले पॉइंट से तो ग्रेटर होंगे इफ यू कैन अंडरस्टैंड सो इसके बाद तुम्हारी चीजें क्या हो रही है इंक्रीज होना शुरू हो रही है सो so जहां से वैल्यू इंक्रीज होना शुरू करेगा स पॉइंट से इक्रीज होना शुरू करेगा दट इज गोइंग टू बोर मिनिमम एंड जहां जो तुम्हारा पॉइंट डिक्रीज होना शुरू कर रहा है दट इज गोइर मैक्सिम दट इज मीनिंग ऑफ इट सो इन अर टर्म यू कैन अंडरस्टैंड सपोज दिस इज योर सो यू स्टार्ट इंक्रीजिंग यू रीच एट पॉइंट एंड स्टार्ट डिक्रीजिंग सो दिस इज गोइंग टू यूर मैक्सिम यू रीच एट पॉइंट डिक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है एंड अगेन यू स्टार्ट इंक्रीजिंग सो दिस इज गोइंग टू बर मिनिमम

इसके बाद तुम रिलाईज करोगे विल बी नो माउंटेन जो इससे ज्यादा हो तो यू कैन से इट इज योर ग्लोबल ओके सबसे ज्यादा मैक्सिमम है तो मोस्टली ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन हम लोग इंटरवल वाले जब दिए रहेंगे तभी सॉल्व करेंगे ठीक है सो डोंट डोंरी कंफ्यूज जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मैक्सिमम एंड व्हाट इज द मिनिमा ओके होप यू कॉपीड ऑल द थिंग्स सो लेट मी चेंज माय स्लाइड जस्ट गिव मी गि सेकेंड I always prefer recorded, but let let do the live also. So uh, the question is very easy. Ki suppose if I have a function f of x, I don't have an interval because we are talking about local maximum, minima So my question is. Uh,

अगर तुम तुमसे कुछ सवाल पूछूं तो यहां से बराबर रिप्लाई करोगे तुम देखो अब तुम्हें बताना है कि सर मुझे सिर्फ इतना बताओ कि मैक्सिमम का मतलब क्या समझ में आता है यू विल से डायरेक्टली से ओके यू विल से मैक्सिमम इफ यू ड्रॉ द मैक्सिमम इफ यू ड्रॉ दिस टेंट एवर यू आर गेटिंग सपोज से दिस इज अ पॉइंट वेयर the things is maximum so how can you interpret it because it's not easy to find out how to prove that is my next question how to prove or test you can say anything kaise samjhoge 100% sure kaise ho jaoge ki a hamara function diya hai aur a function suppose karo we got some couple of point on the x axis we'll we'll see it how to get this point and all the thing just be aware with me okay don't be hurry ki jaldi mat karo nahi to dikkat hogi जस्ट understand की तुम्हारा फंक्शन दिया है एंड वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड की पर्टिकुलर किस point में maximum हो किस पॉइंट में मिनिमम हो इसको समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव। वी नो दैट अगर तुम इस फंक्शन को ट्रेस करोगे तो एक कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है एंड दिस पॉइंट आफ्टर रीचिंग एट दिस पॉइंट स्टार्ट डिक्रीजिंग यू आर एट दिस पॉइंट सो हाउ कैन यू फाइंड आउट दिस पॉइंट दैट इज माई क्वेश्चन हाउ कैन यू फाइंड आउट दिस दिस पॉइंट इज माई क्वेश्चन सो यू नो कि यहां से चीजें डिक्रीज या इंक्रीज हो रही ना वी हैव सीन की अगर तुम्हारा ग्राफ ऐसा दिया अगर ऐसा ग्राफ बन गया तो इसका मतलब तुम यहां पहुंचे इसके बाद क्या कर रहे हो इंक्रीज कर रहे हो या तो अगर ऐसा बना लो तो तुम ऐसे इंक्रीज कर रहे हो फिर इसके बाद यहां पहुंचे डिक्रीज करना शुरू करिए इसका मतलब एक पर्टिकुलर एक स्टेशनरी पॉइंट है वी नीड टू फाइंड आउट दिस पॉइंट हाउ कैन यू फाइंड आउट दिस पॉइंट वी नो द कॉन्सेप्ट ऑफ डेर एवर फंक्शन दे हैविवन सो देव गिवेन ए फॉर फेक्स जस्ट डिफ्रेंसिएटेड जस्ट Differentiate it and after differentiating, make it equal to zero. And after doing the differentiation, making it equal to zero, we can get the value of that is a going to be the stationary point. Suppose we got some couple of stationary point Don't worry, just try to understand the concept. I will solve the problem to explain this thing, okay? So, what we're thinking ki, okay, first we need the derivative, we got suppose we got some couple of point. and now, now, next thing we got the slope. Suppose ये जो तुम्हें स्लोप मिला ऐसा भी मिल सकता है ऐसा भी मिल सकता है ना पॉइंट तुम्हें नाइंटल टू ए वन ग्राफ ऐसा भी हो सकता है मतलब पहले 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 यहां रहा हो फिर धीरे धीरे इंक्रीज हुआ फिर यहां पहुंच के डिक्री आ, पहले डिक्रीज हो रहा हो यहां पहुंच के फिर इंक्रीज होना शुरू हो इसका मतलब यही होता है ना या तो तुम्हारा ग्राफ ऐसे रहो तो हाउ कैन यू श्योर कि ये तुम्हारा ग्राफ ऐसे ही होगा जरूरी थोड़ी है कि फंक्शन ग्राफ ऐसी हो कैसे तुम समझोगे कैसे समझोगे यहां पहुंचने के बाद डिक्रीज होना शुरू हो रहा है डिक्रीज होना का शुरू होने का मतलब क्या समझ में आता है कि यहाँ पे जो वैल्यू रही अगर यहाँ पे दस होगी तो यहाँ पे पांच हो गई होगी यहाँ पे चार हो गई होगी कम हो रही वैल्यू ना तो अगर तुम सोचोगे कि मैक्सिमम वैल्यू अगर तुम्हें पता करना है इसका मतलब इधर साइड में जो भी तुम्हारा इसके साइड में मिल रहा है वो कंटिन्यूस क्या हो रहा है डिक्रीजिंग हो रहा है कंटिन्यूस क्या हो रहा है डिक्रीजिंग हो रहा है अगर तुम मिनिमम वाले कंडीशन में देखो अगर मिनिमम पॉइंट को समझना है तो आफ्टर दिस पॉइंट एवरीथिंग इज क्या हो रहा है इंक्रीजिंग हो रहा है सो टू सॉल्व दिस इशू इसको इंटरप्रिटेट करने के लिए वी नीड टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरियुटिडर टेस्ट डेरियुट डोट वरी ओके आई विल एक्सप्लेन एवरी सो हाउ कैन यूरप्रिटेट आई एम सेंगे वॉट एवर एंसर यूर गॉट इयर इफ यू डू द डिफरेंसिएशन इफ यू डू द डिफरेंसिएशन सेकेंड टाइम सो जो भी तुम्हारे यहां पर स्लोप आया है जस्ट डू द डिफरेंसिएशन एंड

डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब पहले पिक पे था पहले पीक पे था और वो भी स्टार्ट कर दिया डिक्रीज होना इसका मतलब कि जो भी पॉइंट पे तुम्हारा आंसर नेगेटिव में आएगा दैट पॉइंट दैट पॉइंट इज गोइंग टू बी योर मैक्सिमम पॉइंट उस पॉइंट पे यू विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू डोंट वरी ओके जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड अगर इसी का उल्टा समझो

So don't worry about this all the stuff i will i will take an example to explain this thing concept okay just just copy all the thing make up your notes and all the things so whatever i explain you can copy with my this notes okay so you can understand so suppose uh, after this if you reach at this point so how can you decide it key eight

अब वहां से नीचे आ रहे हो दैट मींस वॉट वॉट एवर यू गॉट प्रीवियस दैट वॉज योर मैक्सिमम अगर इसी का उल्टा ग्राफ बना लो दैट मीन्स वॉट सपोज यहां पर डीवाई बाई डी निकाला यू गॉट द जीरो एंड आफ्टर दिस यू ऑब्जर्व की व्हाट एवर यू आर गेटिंग अगर इसको वापस डिफरेंशिएट कर रहे हो सपोज अगर वापस डिफरेंशिएट करके आगे जा रहे हो तो यू रियलाइज दैट की आंसर तुम्हारा पॉजिटिव में आ रहा है यानी पहले जीरो था अभी वन आ रहा है फिर टू आ रहा है फिर थ्री आ रहा है ऑन बाई एक्स

हाउ वी कैन डिसाइड कि ये पॉइंट मैक्सिमम होगा और ये पॉइंट मिनिमम होगा ओके सेम थिंग्स को मैंने थे okay, like हमारा फंक्शन जीरो मैं उसका सेकंड डेरेवेटिव करूँ वाट एवर वी गॉट अगर मैं उसका सेकंड करूँ ओकेस देन जीरो आ रही है okay? like,

लोकल मैक्म सो हाउ कैन अंडरस्टैंड सपो यर गोइंग फ्राम सपोज ईयर गोइंग फ्राम यर यू गॉट इज पॉइंट एंड आफर दैट यू गटिंग द पॉजिटिव वैल्यू दट मीनस वॉट दैंट जो भी पॉइंट होगा दट इज गोई टू दैक्सम डोट वरी जस्ट ट्राई टूट ऑन दिसंट ओके इज गोइंग टू बी योर वॉट अगर तुम्हारा वैल्यू कभी मतलब भी ना आए और पॉजिटिव भी ना आए दे That is my next question okay so if value is equal to zero okay and then test is going to fail like suppose if you are if you draw this part and again and again you are getting the suppose a value is increasing and at this point you got the zero and it's going to happen like this thing so you cannot decide ke maximum mein ke minimum mein. so to decide the maximum minimum uh, whatever you got here or whatever you got here you have to

डबल डेरिव डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव में आ रहा है इसका मतलब समझो कि ऐसा कि सपोज यू गॉट द स्लोप सपोज जीरो आया उसके बाद सारी वैल्यू तुम्हें पॉजिटिव में आ रही है इसका मतलब वैल्यू क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब इंक्रीज कहां से हो रहा होगा लोवेस्ट पॉइंट से इंक्रीज हो रहा होगा ना इसका मतलब अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो यू विल से ओके अगर तुम्हें आंसर किस में आ रहा है पॉजिटिव में आ रहा है यू विल से कि एट दैट पॉइंट दैट मीन एट इक्वल टू योर कंटेंट इज गोइंग टू बी द मिनिमम एंड वट अबाउट मैक्सिमम you can understand if your answer is going to be negative you'll see it's a maximum otherwise you'll say test fail okay so don't be confused with this term uh, let me solve one problem so you can get better idea okay just try to solve this problem you can get better idea suppose here find all the point of local maxima and minima of the function Okay, this is a given function. We don't have any inter all the things. We have to just think. Okay, we don't know function will But we need to find out ki which point will maximum and which point minimum. We need to find out. How can you find out? The first step, if you can understand the, first step we need to find out the stationary point. We have to do the differentiation of the given function. Okay, so for the stationary point, whatever the function they have given, just differentiate it and make it equal to zero. So if you differentiate this part, it is going to be the three x square minus twelve x. प्लस नाइन इक्वल टू जीरो सो इफ यू यू विल गेट इक्वल टू वन एन थ्री गॉट टू स्टेशनरी पॉइंट मतलब अगर तो ऐसा कुछ तो फंक्शन होगा ना सपोज ऑन वन यू आर गेटिंग दस थिंग ओके ऑन थ्री आर गेटिंग दिस जस्ट राइट अंडरस्टैंड सपोज इक्वल टू वन पे तुम मैक्सिमम मिल रहा होगा थ्री पे मिनिमम हो रहा ऐसा एक पॉजिबिलिटीज हो सकता है तो ऐसा पॉजिबिलिटी हो सकता है मिनिमम मिल रहा होगा थ्री पे मैक्सिम मिल डोट नो सो हाउ कैन यू टेस्ट इट

इसका मतलब कि तुम्हारा ऐसा होगा ग्राफ कि तुमने अगर ड्रॉ किया होगा तो यस इक्वल टू वन पे यू गॉट एंड आफ्टर दिस समथिंग इज गोइंग टू बी डिक्रीज चीजें डिक्रीज हो रही है इसका मतलब जिस पॉइंट से तुम आ रहे हो दैट वॉज योर मैक्सिमम यू कैन राइट लाइक दिस एट इक्वल टू वन दिस इज योर मैक्सिमम पॉइंट ओके सुना वॉट अबाउट थ्री ये मिनिमम होगा जरूर नहीं यू कैन यू फाइंड इट Just put the value in double derivative. Six into three minus twelve. You'll get eighty. That is greater than zero. is if you draw the graph, this was your thing. Okay. So at this point, x equal to three. After this, all the value was just increasing. You are getting the positive answer. That means what? This was your minimum value, minimum point. That means what? At x equal to three, that is a minimum. That is a your minimum point so it's very easy how to find maximum point and minimum point first step whatever they have given the function just find out the stationary point second step do the differentiation again of the given function and put the value one by one put the value so whenever you are getting less than zero that means what that point is a maximum and whenever you are greater than zero that point is going to minimum you can read my slide and all the things you can understand the very clearly

तो व्हाट यू डिसाइडेड कि जब मैं यहां पे पहुंचा उसके बाद चीजें कम होने लगी इसलिए तुम्हें माइनस में आंसर आया जब मैं यहां पहुंचा चीजें बढ़ने लगी इसका मतलब कि मैं इंक्रीज हो रहा हूं इसका मतलब पहले वाले के पॉइंट से मैं इंक्रीज हो रहा हूं ना इसका मतलब क्या समझ में आता है कि अगर यहां से मैं पहुंच के इंक्रीज होना शुरू कर रहा हूं मतलब ए वाला पॉइंट तुम्हारा मिनिमम था अगर यहां पहुंच के चीजें कम होने इसका मतलब पॉइंट मैक्सिमम था तो यह वैल्यू क्या है Y -axis. Oh, मैं पता करना कैसे पता कर दूस इजी ना यक्स इक्वल टू वन इसमें पुट कर दो वॉट एवर यूल गेट दैट इज दट इज मैक्सिमम वैल्यू पुट इक्वल टू वन इन दिस इक्वेशन इफ यू पुट के प्लेस इफ यूल गेट द मैक्सिमम वैल्यू एंड वॉट एवर यूल टू थ्री इन द गि फंक्शन यूल गेट द मिनिम वैल्यू okay that's the meaning of it i hope you cleared with this example you can watch this video let me explain it once again so overall aapko ek idea hun, so you can understand this thing okay it's very simple whatever they have given function suppose in this case just differentiate it first time to find out the stationary point suppose you got some couple of stationary point you can get more than one stationary point do the double differentiation of the given function whatever the function and put this point in this equation so, suppose

so we'll take more problem on this thing okay we have some couple of different kind of the problem also so in the evening session hum log is चीज ko aur dekhenge theek hai hope you understood okay so kisi ko doubt hoga to chat box me mujhe bata de okay i think sab clear hai okay yes yes great great ठीक है हम मिलते हैं शाम को wapas से तो शाम को हम और सारे problem करेंगे तो so, just revise all the concept what we learned today so don't try to understand what is the scenery point हाउड द कॉन्ट मैक्सिम मिनिमम हाउ टू वर्क एंड ऑल द थिंग्स इफ यू कैन रिमेम्बर ओके मैं कुछ तुमको ब्लॉग एन आर्टिकल देता हूँ इफ़ यू कैन रीड इट जस्ट रीड मैं अगर इस वीडियो को कहीं पर अपलोड करूंगा यूट्यूब पे तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक uh, जो भी है जो ब्लॉग है मेरे पास रिलेटेडम मिनिमम आई विल ट्राई टू गिव यू ओके चलो मिलते हैं शाम के सेशन में बाय